भारत सरकार के संसदीय कार्य एवं संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में भाजपा मंडली व्यापारी सम्मेलन का आयोजन नवीन गल्ला मंडी में किया गया, जिसके संबंध में भारत सरकार के संसदीय कार्य एवं संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि मंडलीय व्यापारी सम्मेलन के द्वारा व्यापारी वर्ग को संगठित करने के साथ ही भाजपा की नीतियों और कार्यों को जन जन तक पहुँचाया गया है। उन्होंने कहा, मंडल के 62 विधानसभाओं में बीजेपी 60 सीटों पर जीत दर्ज करेगी तथा विरोधी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं तथा अपराध से अर्जित संपत्ति पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है, इसलिए विपक्षी पार्टी पूरी तरीके से भयभीत है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आह्वान किया है कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की सरकार बने। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है तथा सभी जाति धर्म वर्ग के लोग सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और गुंडे माफिया और भ्रष्टाचारी पूरे तरीके से भयभीत हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक स्लोगन भी बोला और कहा कि यूपी में बह रही है भाजपा की बयार, फिर बनेगी योगी सरकार। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन सहित बीजेपी के अन्य नेता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सरकार के संसदीय कार्य एवं संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, आज के हमारे इस कार्यक्रम में देख रहे हैं। आ चुके हैं। मैं अपनी वंदन करता हूं। जो भी मेरे भाई बोला जी, भाई मोबाइल थोड़ा नीचे भाई, मोबाइल पीछे करो भाई, कौन है अर्जुन राम मेघवाल जिंदाबाद। हम सभी के गार्जियन व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री आदरणीय पुष्प दैन जी के अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, सांसद महाराजगंज। हमारे बीच में गोरखपुर के प्रथम नागरिकता प्राप्त कर रहे आदरणीय मेयर जी, मेयर साहब, सभी आदरणीय विष्णु अजीत सरिया जी से निवेदन है कि कृपया आप आए और हम आज का ये कार्यक्रम सड़क पर जो बंदूक खड़े हैं, कृपया उन सभी से बार बार निवेदन, फैक्ट्री लगा रखे हैं, फैक्ट्री में अगर कोई निर्माण करते हैं तो उसमें साहब रिपेयर के लिए जो होगा उसमें मिलेगा, जो निर्माण के लिए होगा। फिर मुटानी जी एक मोमेंटम दे करके, हरिद्वार वर्मा जी, हम सबके गार्जियन, मुख्य अतिथि जी को रामबाद का सम्मानित होना है, गोल घर बाजार के बस्ते का सम्मान करें भाई रितेश जी, सर इधर दोनों लोग, देखिए सूर्य केश जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी, महानगर की टीम द्वारा पंकज चौधरी जी का स्वागत कर अभिनंदन करें।
पहले अर्पण करके कौशल किशोर निगम जी सम्मान आदरणीय पंकज चौधरी जी का मालार्पण करें। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हमेशा देखा सपा की सरकार में लूट डकैती हत्या रंगदारी चौथ वसूली से उत्तर प्रदेश जल रहा था, बड़ा उपरण हो जाता था, चौथ वसूली का पत्र आ जाता था। किसी तरीके से भाजपा और पुलिस वालों से भाजपाइयों और पुलिस वालों से बसता बसता कमल गोरखपुर क्षेत्र से खिल जाए तो मेरे मुख्य अतिथियों का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ेगा और भारत में उत्तर प्रदेश की दशा देखिए 2014 के बाद से जितना आर्थिक क्षेत्र में सुधार हुआ मोदी जी के कालखंड में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। इस सुधार में व्यापारी कल्याण के भी बहुत से कदम उठाए, चाहे जीएसटी का विषय आपने अभी रखा, लेकिन जीएसटी को व्यापारियों से ही हमने संवाद करके उनका सरलीकरण भी किया है। आज भी दो सुझाव आए हैं, इसमें सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार ये संवेदनशील है, ये व्यापारियों के साथ वार्ता करती है, संवाद करती है, एक तरफे निर्णय नहीं लेती है। इसलिए ही आज गोरखपुर में हमारा मंडलीय स्तरीय व्यापारी सम्मेलन है। इसमें हम जो आने वाला बजट है हमारा, उस बजट में व्यापारियों की क्या डिमांड है उनकी हम सूची तैयार करेंगे। दूसरा एक हमारा जो घोषणा पत्र बनेगा भारतीय जनता पार्टी का जो 2022 की चुनाव के लिए यूपी के लिए पर्टिकुलरली, उसके लिए व्यापारियों की जो डिमांड है उनको भी हम उस घोषणा पत्र में सम्मिलित करेंगे। ये सारे विषय हम आज इस सम्मेलन में लेने वाले हैं। 2022 ऐसा कवायद का विषय नहीं है, व्यापारियों से संवाद करना, व्यापारियों को कोई अगर लगता है कि प्रोसीजरल कोई तकलीफ है उसको दूर करना। जैसे जीएसटी नेटवर्क का अभी विषय आया तो जीएसटी नेटवर्क में GSTR 2 भरते हैं उसके बाद रिफंड नहीं आता है, तो रिफंड आना चाहिए। जैसे हमने इनकम टैक्स में रिफंड ठीक किया तो जीएसटी में भी रिफंड ठीक करेंगे। ये सारे सुझाव लेकर के इसको प्रोसीजर को सरल करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। जिस अधिकारी का अगर ऐसा व्यवहार है जो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के अनुरूप नहीं है तो उसको भी ठीक करेंगे।